गाइज वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अब बस मम्मी का ऑपरेशन की घड़ी पास आ रही है और मम्मी अपना जा रही है, उनको ओटी में ले आए हैं और बस मैं भी वहाँ साथ में आई हूँ और बस देखते सही होगा ऑपरेशन। और क्या, मम्मी से मिल लो गाइज। कैसे लग रहा है, ठंड लग रही है गाइज? लेकिन ओटी में कुछ नहीं लेके जाते, उन्होंने बोला चप्पल भी मैं ले लूँगी और सॉक्स भी उतार देंगे। उतार दी सॉक्स? नहीं अभी नहीं, तो अभी नहीं उतारी। चलो ठीक है गाइस, मम्मी को लेके चले गए हैं अंदर और मैं यहाँ पे बाहर वेट कर रही हूँ। देखो गाइस, ऑपरेशन हो गया है, अच्छे से हो गया है। उन्होंने अंदर मैश डाल दी है क्योंकि जो इंटेस्टाइन्स थे, अभी डॉक्टर गए उन्होंने मुझे बताया, जो आते थी वो थोड़ी चिपक गई थी और एक होल बन गया था जहाँ पे एक ऑलरेडी मैश पहले भी डलवाई थी हमने जब मम्मी का पहले ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने फिर से एक मैश डाल दी उसी के ऊपर। और बस अब मम्मी को ICU में शिफ्ट कर देंगे 2-3 घंटे के लिए फॉर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी तो मैं ओटी के बाहर ही हूँ, ओटी से बाहर निकली नहीं है, तो अभी जब जाएंगी तो मैं मिलती हूँ और फिर वो ICU में चली जाएंगी। जब वो ICU में चली जाएंगी तो कोई था तो मुझे लगा आ गई, तो अभी वो ICU में जाएंगी ना, तब मैं जाके अपने रूम में जाके देखती हूँ कैसे होता है, क्योंकि मेरे को भी भूख लगी हुई है, कुछ खाऊंगी उसके बाद सब कुछ देख के। गाइस मम्मी ओटी में तो चली गई थी, ओटी से ICU में भी आ गई थी, वहाँ पे इन्होंने 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, तो मैं रूम में ही थी। मैंने भी 2 घंटे की नींद ले ली क्योंकि मिल नहीं सकते थे आप। 6 to 7 का टाइम होता है मिलने का, 6 से 7, बट उससे पहले ही मम्मी रूम में शिफ्ट कर दिया है मम्मी को। मैं अभी खाने गई हुई थी, पहले मैं पूछने गई तो उन्होंने कहा भी 1 घंटा और है, फिर मैं रूम में आई तो मैंने मन्नू से बात करी, मन्नू भी घर पे चीकू कैंडी को उसने खाना खिलाया, छत पे घुमाया थोड़े फ्रेशन अप होने के लिए। अब वो कंबल वम्बल लेके, कुछ ज़रूरत जैसे एक सोप की ज़रूरत है ऐसे ऐसे करके वो आ रहा है, तो मैं भी फिर मैं खाने चली गई। मैंने मैगी खाई नीचे बनवा के, सामने ऐसे 2-4 दुकानें हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ की जो कैंटीन है वहाँ पर सिर्फ लंच मिलता है और डिनर मिलता है और चाय वाय मिलती है, तो मैंने मैगी बनवा के खा लिया, वो फ्रेश होगी। इतने में जैसी आई तो मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे, मम्मी भी ये थी। मम्मी को दर्द हो रहा है, सिर्फ दर्द हो रहा है ना, और तो दिक्कत नहीं है ना गाइस। मम्मी को दर्द हो रहा है, ये इन्होंने यहाँ पे पेन किलर लगाई है इसमें, तो दर्द हो रहा है। हमको लगा लेज़र होगा बट लेज़र नहीं हुआ, उन्होंने पूरा ओपन करके जो भी काट के फिर स्टिचेस करते हैं वो सब किया है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पेन है, तो हो जाएगा सही सब कुछ। अभी धीरे धीरे आराम पड़ेगा, पहले से मम्मी के लिए कम है, पहले ज़्यादा पेन था। हाय करना गाइस, मम्मी का मुंह सूख रहा है लेकिन वो बोल रहा है पानी नहीं दे सकते, मुंह कड़वा भी हो रखा है क्योंकि अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, तो पानी की कोई ऐसा है नहीं, बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आपके मुंह को चाहिए। कुल्ला, अब कुल्ला भी कैसे ही करोगी, पानी पूछूं? पूछ दो, एक घूट पी सकते हैं, एक घूट। गाइस मैं अभी अभी घर पर आई हूँ और बस चीकू कैंडी को थोड़ा सा वो हाइपर हुई पड़ी थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, नॉर्मल कर दिया। और पापा और अपना खाना ना पैक करवा के ले आई हूँ, थाली यहीं सत्य साइयाँ वहाँ से, क्योंकि बनवाने को तो मैं बनवा सकती हूँ उनको फ़ोन करके, बट उन वो 7 से 8 कहीं जाती हैं, ज्योति जो है ना वो, तो अब मतलब अब फिर मैंने सोचा कल ही उनको फ़ोन करूँगी, कल ही देखती हूँ, आज का मैनेज ऐसे कर लेती हूँ। बस मन्नू वहाँ पर है ही मम्मी के साथ, मुझे राहुल भैया ले ही आए थे, और अभी सुबह मन्नू 7 बजे घर आ जाएगा, 2-3 घंटे मम्मी रहेंगी अकेले, मैं 10 बजे जाने वाली हूँ। बट वो ये है कि वहाँ पे स्टाफ अच्छा है, वो सब अच्छे से खुद ही पूरा ध्यान रखते हैं, है ना, और मम्मी के 2-3 पेन किलर्स चढ़ रहे हैं और जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स जो भी है, जो भी हील करने के लिए है, जो स्टिचेस हैं उनको हील करने के लिए वो जो भी दे रहे हैं वो अपना ग्लूकोज में ही डाल देते हैं,
है ना। बाकी बीच में मम्मी का दिल कच्चा हुआ था तो उन्होंने उसके लिए भी एक और दवाई दे दी थी, तो उससे मम्मी का दिल कच्चा मतलब थोड़ा दिल वॉमिट जैसा हो रहा था तो वो नॉर्मल हो गया था बीच में। तो ये सब थोड़ा बहुत अपना चल रहा है, बाकी है वैसे सब कुछ सही है। तो अब बस मैं घर आ गई हूँ, अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, जोत जलाती हूँ और बस थोड़ा नॉर्मल, ये भी नॉर्मल हुई है अब जाके कि कोई आया है। और गाइस 10 बज गए हैं और अब जाके सारा काम ख़त्म हुआ है। पापा को खाना दे दिया था, चाय बना दी, चीकू के लिए अंडा उबाल दिया था, उसने अंडा खा लिया, कैंडी को ऑलरेडी खा चुकी थी, कैंडी कैंडी फूड ही खाती है। और पूरे जो भी किचन के ज़्यादा बर्तन थे तो थे नहीं क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं, बस प्लेट्स कटोरी थी जिसमें मैंने खाया पापा ने खाया। सुरेश आंटी आके मांझ देंगी, पापा को चाय भी बना दी, अब मैं पानी लेके मैंने ग्रीन टी भी पी ली, बादाम भिगो दिए सुबह के लिए। और पापा को ये बोल दिया कि सुबह पापा अपना गर्म पानी और अपनी चाय खुद बना लेंगे और फिर मैं उठ जाऊँगी 8:30 बजे के लगभग, सुरेश आंटी आके अपना काम कर ही लेंगी और 8:30 बजे उठ के पापा का नाश्ता बनाऊँगी, इन दोनों का खाना दूँगी, ऐसे करके 10 बजे निकल जाएंगे काम करा के। बस कुछ नहीं है, मन्नू से बात हो गई है, मेरा सब सही है, अब मैं बस सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस 10 बज रहे हैं, मन्नू आ गया सारे घर का काम करा के, पापा का नाश्ता, चीकू कैंडी का नाश्ता, अपना नाश्ता, सुरेश आंटी को नाश्ता और पापा का लंच पैक करके दे दिया। सुबह उठ गए थे, मन्नू सुबह आ गया था 6:30, तो 6:30 आया था, 6:30 से पहले आ गया था गाइस, ये थोड़ा सा आ गया था, फिर अभी थोड़ी देर आके लेटा बेटा 7 बजे चला गया था। फिर उसके बाद सुरेश आंटी आई, काम किया, सारा काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी से मेरी वीडियो कॉलिंग में बात हो गई थी, मम्मी ने फोन उठा लिया था तो वो ठीक है, हल्का हल्का पेन है उनको, बाकी सब सही है, अब मैं हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हाय मनु गाइस, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, मम्मी से मिल लो आप। हाय गाइस, हाय मम्मी अभी नशों में है, मम्मी नशे में झूम रही है। मन्नू कह रहा है रात को मम्मी की उतरी नहीं तो, लेकिन वो दवाइयों के नशे हैं और क्या कहते हैं मम्मी के अभी वो चढ़ी रहा है जो ग्लूकोज ग्लूकोज। और अभी मैंने पूछा है, उन्होंने कहा अभी तो कुछ खाने को नहीं दे सकते, डॉक्टर आएंगे तो वो एक बार चेक करेंगे फिर आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। बाकी रख के गए तो हैं, ये वो हैं सेवैयाँ दूध वाले, लेकिन ये ऐसे ही रखे हुए पैक्ड, इसको साइड में रख देते हैं। ये मन्नू का तामझाम, रात को सोएगा ना मन्नू। मन्नू ने अपना पूरा इंतजाम रखा है यहाँ पे। ओ भाई वाओ मन्नू वाओ नाइस, फेस वॉश लाया है मन्नू, नहीं जोड़े हैं सामान तो अब रख इसे। बस फैलाना ही आता है क्या? बस गाइस अभी तो यही चल रहा है। नमस्कार गाइस, बीपी चेक करने आया, बीपी सही आया, ये किस लिए? ऑक्सीमीटर है। अच्छा, ये बाहर का व्यू है, देखो बच्चे खेल रहे हैं और ये हमारा रूम है, ये देखो, और मम्मी देख रही है व्लॉग। हाय, और गाइस अभी ना, और गाइस अभी ना डॉक्टर आए थे, डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला है कि आप मम्मी को चाय, बिस्किट, नारियल पानी, थोड़ा सा पानी, एक एक घूंट दे सकते हो। तो मैं घर से चाय लेकर आई थी, बिस्किट्स हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिस्किट और चाय देती हूँ, थोड़ी देर में नारियल पानी दूंगी, एकदम से नारियल पानी ठंडा होगा ना मतलब, तो पहले थोड़ा सा चाय बिस्किट खा लेंगी फिर थोड़ी देर में नारियल पानी। चाय पी लो फ्रेंड्स, गाइस मम्मी चाय पी के बताएंगी आराम से आराम से। ठंडी है, मैं तो उसमें लाई थी, मुझे लगा गरम होगी, गरम लेकर आऊं? नहीं बस ज्यादा ठंडी है। चलो ठीक गाइस, मैं बाहर आई हूँ नारियल पानी लेने के लिए,
गाइस ये लंच आया है, खिचड़ी मैंने मम्मी को दे दी है क्योंकि डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि हल्का हल्का खाने को भी दो, थोड़ा सा नारियल पानी भी पिला दिया था मैंने मम्मी को, और चाय और वो तो खा ही लिया था उन्होंने, चाय और एक बिस्किट, बाकी और खिचड़ी खा लेंगी मम्मी। खिचड़ी की थी फिर चेस्ट दाओ एक्स्ट्रा की था नाले, और क्या लिया पूरी अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट सारे ब्लड टेस्ट पूरे बॉडी के। गाइस 5 बज गए हैं और हमने चाय बिस्किट भी खा ली है और मम्मी के लिए भी पपीते का जूस आया था। पपीते का जूस आया था तो मम्मी ने वो भी पी लिया है। अब यहाँ पे सफाई करने आई है वो दीदी। गाइस मैं आ गई हूँ, आ गई थी घर पे 6:30 बजे के लगभग आ गई थी बस, फिर उसके बाद से ऐसी बैठी हुई हूँ। अब वो आ जाएंगी खाना बनाने के लिए, बस उनका फ़ोन आया था, वो 5 मिनट में आ रही होंगी। आज बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, तो मैंने निकाल दिया है गोभी आलू टमाटर प्याज मिलते निकाल दिया, वो बस आके अपना फटाफट चॉप करेंगी बनाएंगी, फिर एक साइड आटा गूंथ लेंगी, इतने में फिर चपाती भी बना ही देंगी क्योंकि फिर पापा आके खा लेंगे, मैं गर्म करके दे दूँगी, क्या पता बनते बनते पापा ही आ जाए तो ऐसे हो जाएगा। और बाकी चीकू कैंडी बैठी हुई है, चीकू चीकू इधर चीकू उधर कैंडी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है कहीं ठंड हो गई ना, इन्हें भी पता चल गया है कि ठंड हो गई है, तो अपना आराम से बैठी रहती हैं। हम भी बैठेंगे कैंडी के साथ, कैंडी अकेले क्यों बैठेगी भाई, है ना। चीकू भी आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस आज हो गया सैटरडे और अभी का सीन है मैं नाश्ता वास्ता बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या। ये सूप की तैयारी हो रही है, सब उबाल दिया, गाजर लहसुन और टमाटर मम्मी से ही पूछा था। यहाँ चीकू कैंडी के अंडे बॉयल हो रहे हैं, यहाँ मैं चपातीज बनाऊँगी, यहाँ सब्जी जो रात की थी उसको मैंने अच्छे से गर्म कर दिया, ये चाय के लिए दूध बस। मन्नू आया था वो जा चुका, और सुरेश आंटी ने बर्तन मांज लिए हैं जो कल रात के थे, और अभी वो अपना झाड़ू पोछा करेंगे, इतने में यहाँ खाना बनाऊँगी, और बस लास्ट में ऐसा होगा कि वो ये करेंगे, मैं अपना नहाने चले जाऊँगी, तो फटाफट करते हैं। हाय गाइस। गाइस अब मैं बस नहा के सारा काम करवा के, मन्नू आने वाला है 5 मिनट में, बस फिर अब वहाँ जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अब दोबारा से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो बस अब मैं ये व्लॉग जाके हॉस्पिटल में एडिट करूँगी, फिर आपके पास आएगा, तो थोड़ा टाइम मिसमैच हो रहा है बट मैनेज कर लो। पीस।